हेलो फ्रेंड्स, टेकी नूरुल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम रैम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रैम का इम्पोर्टेंस क्या है, अपने मोबाइल या पीसी में रैम कैसा काम करता है, रैम मैनेजमेंट कैसा होता है और फाइनली हमको कितना रैम चाहिए, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ये भी एक काइंड ऑफ मेमोरी है। आप सब लोग जानते हैं कि अपना मोबाइल फ़ोन भी कंप्यूटर के जैसा काम करता है। अपना मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर जो भी ले लीजिए, उनमें हमको पूरे दो टाइप्स ऑफ मेमोरीज देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट मेमोरी आके परमानेंट मेमोरी, सेकंड मेमोरी आके टेम्पररी मेमोरी। परमानेंट मेमोरी का एग्जाम्पल आके इंटरनल हार्ड डिस्क और ऐसे ही मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज। इस परमानेंट मेमोरी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए और दूसरे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए और अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, इमेजेस, ये सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम परमानेंट मेमोरी करके क्यों कहते हैं, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए रह जाता है। मतलब हम पावर ऑफ करने के बाद भी वो इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं जाता, नेक्स्ट टाइम हम पावर ऑन करते हैं इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी का पहला एग्जाम्पल आके रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो भी इंफॉर्मेशन रैम में अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन जब तक पावर ऑन है डिवाइस जब तक ही देख सकते हैं। तो नेक्स्ट रैम पर्पज़ क्या है, हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए परमानेंट मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए रैम की जरूरत होती है। मतलब हम जब भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, मतलब रन करते हैं, वो एप्लीकेशन रैम में लोड होता है। तो फर्स्ट जब भी हम पावर ऑन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है। उसके बाद में जो भी एप्लीकेशन ऑटो स्टार्ट में रखे हुए वो सारे एप्लीकेशन रैम में लोड हो जाते हैं। तो रैम में लोड होना मतलब एक एप्लीकेशन रन होने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, लाइक यूजर इंटरफेस, इमेजेस, जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सारी रिसोर्सेज रैम में लोड हो जाते हैं। एक एक एप्लीकेशन आके पर्टिकुलर साइज ऑफ रैम को ऑक्यूपे कर लेता है। मतलब बेसिक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आके 800 MB से लेके 1.2 GB तक ऑक्यूपे कर लेता है। वो डिपेंड करता है कि अपना सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग और हार्डवेयर कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। तो रैम का मेन पर्पस क्या है, एप्लीकेशन को रन करने के लिए रैम की जरूरत होती है। जितना रैम अवेलेबल है उतने सारे एप्लीकेशन को साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। तो अब हम रैम मैनेजमेंट कैसा होता है जानेंगे। एक विंडो पीसी का रैम मैनेजमेंट और एंड्रॉयड मोबाइल के रैम मैनेजमेंट में काफ़ी सारा डिफरेंस है। विंडोज़ पीसी में एक बार रैम फुल हो जाने के बाद में हम जब भी नया एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश करते हैं उस समय रैम अवेलेबल नहीं होने की वजह से पीसी वर्चुअल मेमोरी को इस्तेमाल करता है। ये वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क पे क्रिएट होता है। नॉर्मली वर्चुअल मेमोरी के रीड एंड राइट स्पीड्स रैम के रीड एंड राइट स्पीड से बहुत कम होते, उसके वजह से पीसी में एक बार रैम फुल हो जाने के बाद में पीसी स्लो हो जाता है। वही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम मैनेजमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट से होता है। यहाँ पर रैम फुल हो जाने के बाद में हम नया एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश करते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जो भी ऑलरेडी रनिंग एप्लीकेशन थे उनमें से लीस्ट प्रायोरिटी एप्लीकेशन को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज कर देके नया एप्लीकेशन के लिए रैम को क्लियर कर देता है। यहाँ पर रैम क्लीनिंग ऑपरेशन जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कर लेता है। वही पीसी में रैम को क्लीन करने के लिए हमको मैन्युअली एप्लीकेशन को क्लोज करना रहता है, लेकिन यहाँ पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड खुद रैम को क्लीन कर लेते चले जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रैम में जो भी एप्लीकेशन से कैसे एक्सेस करते हैं, पीसी में हम जो भी एप्लीकेशन ओपन है पूरे टास्क बार पे दिखाई देते हैं, वही मोबाइल में आने तक रिसेंट ऐप सेक्शन में जाके जो भी एप्लीकेशन ओपन है वो उन एप्लीकेशन को देख सकते हैं। रिसेंट ऐप्स में जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल है वो सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी रैम में लोड है करके मतलब है। रिसेंट ऐप्स में जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल है वो सारे एप्लीकेशन को हम बहुत स्पीड से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि रैम के रीड एंड राइट स्पीड्स बहुत स्पीड रहने की वजह से ये सारे एप्लीकेशन को हम बहुत स्पीड से एक्सेस कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग रिसेंट ऐप्स को हमेशा क्लीन करते रहते हैं रैम को क्लीन करने के लिए, अदरवाइज टास्क किलर ऐप्स को इंस्टॉल करके हमेशा रैम को क्लीन करते रहते हैं। ऐसा करने की जरूरत कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम खुद रैम को क्लीन कर लेते चले जाता है। ऐसा रैम को मैनुअली क्लीन करने से दो डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे उस एप्लीकेशन ओपन करने के लिए थोड़ा टाइम ले लेता है, नेक्स्ट बैटरी यूसेज भी ज़्यादा हो जाता है। तो रिसेंट ऐप सेक्शन बहुत अच्छा फीचर है एंड्रॉयड मोबाइल में, ताकि आप एप्लीकेशन को जल्द से जल्द एक्सेस कर सकते हैं। तो जब रैम अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर रैम का इस्तेमाल नहीं करोगे तो रैम रहकर भी फायदा नहीं है। तो फाइनली हमको रैम कितना चाहिए, हम में से थोड़ा लोग ऐसा सोचते हैं कि रैम ज़्यादा होने का मतलब है फ़ोन स्पीड से काम करेगा। रैम का काम होता है एप्लीकेशन को रन करना, तो एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग पूरा प्रोसेसर करता है। तो फ़ोन का स्पीड जो है प्रोसेसर के स्पीड पे डिपेंड होता है और रैम के रीड एंड राइट स्पीड पे डिपेंड होता है। सिर्फ रैम ज़्यादा होने की वजह से फ़ोन का स्पीड नहीं बढ़ता है। यहाँ पर ज़्यादा रैम होने का मतलब यह है कि हम ज़्यादा एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं, एक बात को ध्यान में रखना है। तो
हमको कितना रैम चाहिए? आजकल फोन्स पूरे 2GB से शुरू हो रहे, 1GB के फोन आना बंद ही हो गए, तो 2GB से लेके 3GB, थोड़े मॉडल 3GB 4GB, थोड़े मॉडल 4GB एंड 6GB, थोड़े मॉडल 6GB एंड 8GB। बेस वेरिएंट खरीदना चाहिए या टॉप एंड वाला खरीदना चाहिए? तो रैम कितना है इम्पॉर्टेंट है, रैम कितना अवेलेबल हो रहा इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम मोबाइल खरीदते हैं पूरा रैम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके यूजर इंटरफेस थोड़ा रैम को इस्तेमाल कर लेता है, तो बाकी बचा हुआ रैम को ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल यूजर है, मतलब फेसबुक व्हाट्सएप ऐसे छोटे छोटे ऑपरेशन कर लेते हैं, बेसिक गेम्स खेलते हो, तो एक बेसिक वेरियंट का रैम काफ़ी हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ ही रन करते हो, मतलब वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, गेम्स, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ ही रन करना चाहते हो, तो ज़्यादा रैम वाला फ़ोन खरीद लेना बेटर है। मोबाइल में ज़्यादा रैम रहना अच्छा ही या नहीं? अच्छा ही है, क्योंकि ज़्यादा रैम वाला मोबाइल खरीदने से फ्यूचर प्रूफ रहेगा, क्योंकि आगे चल के ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट्स आते रहते हैं और दूसरे एप्लीकेशन में भी अपडेट्स आते रहते हैं, तो अपडेट्स की वजह से नए नए फीचर्स भी ऐड होते रहते हैं, तो ये सारे अपडेट्स आने की वजह से एप्लीकेशन का रैम यूसेज भी बढ़ जाता है, तो ये एप्लीकेशन पूरे आगे चल के भी स्मूथ से रन होने के लिए ज़्यादा रैम रहना भी ज़रूरी है। तो ये है रैम के बारे में। अगर आपको रैम के बारे में कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।